पाकिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट खामोश रहती है। सारी निगोशिएशन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले की जाती है, अमेरिकन एम्बेसी पसे पर्दा काम करती है, कोई शोर हंगामा नहीं बर्पा किया जाता। और मजे की बात कि जो लोग किडनैप करते हैं इस जॉन सुलेकी को, वही लोग इन्वॉल्व होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से निगोशिएट करने में। यानी कमाल यह है कि हिब्रियाली जो दहशतगर्दी के जुर्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ था लंदन में, वो निगोशिएट कर रहा है जो खुद बीएलए का है, जिसने अगवा किया सुलेकी को। उसके अलावा और वो तमाम अफराद और अमेरिकन ना तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और ना ही बीआरए को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं कि उसने अमेरिकन सिटीजन को अगवा किया। फिर अमेरिकन ये पॉलिसी कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे दहशतगर्दों से, ये खत्म किस तरह की जाती है कि उस जॉन सुलेकी के रिहाई के नतीजे में, उसके बदले में कम अज कम 1000 से जायद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया जाता है। ये बात नहीं बताई जा रही है हमारे मीडिया और हमारी गवर्नमेंट में। जो बदतरीन दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश किए बैठे थे, जिनको बड़े अरसे से हुकूमत ने पकड़कर जेलों में बंद किया हुआ था, उनको जॉन सुलेकी को रिहा कराने के अवज रिहा किया जाता है। और वही लोग जो अगवा करते हैं वही निगोशिएटर भी है। यानी कमाल ही है, मास्टरपीस है ये, कि जो अगवा कर रहे हैं वही निगोशिएट भी कर रहे हैं, उन्हीं के बंदे जेलों से छोड़े जा रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी चुप बैठी हुई है, अमेरिकन गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं देती, अमेरिकन गवर्नमेंट बीएलए को बीआरए को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करते। ये कौन सा ड्रामा हो रहा है, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है यहां पर? दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नतीजा ये हुआ कि जब वो 1000 दहशतगर्द जेलों से निकले, उनको असलाह रुपया दिया गया और एक ऑफनाथ कैंपेन पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, जिसका बहाना बनाया गया उन तीन अफराद के कत्ल का जो तीनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरबराहान थे। देखिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी अहमक नहीं है कि उन तीन आदमियों को उठा के कत्ल करें और ले जाके चौक पर डाल दें अगले दिन, ताकि पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी जाए। अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान में आग लगाने का फायदा पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की एजेंसी को होगा या हमारे दुश्मनों को? जब आप कोई अमल करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि इसका फायदा किसको हो। अगर एजेंसीज ने उनको अगवा करके कत्ल करना था तो वो उसको अगवा कर लेते, खामोशी से कहीं रख लेते, पता भी ना लगता, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में इजाफा हो जाता, वो शख्स गायब हो जाते। या उनको कहीं मारना भी था तो मार के ऐसी जगह दफन करते कि 6 महीने किसी को मार भी ना मिलती। ये कौन सा तरीका है कि मार के जान के चौक के बीच में लाके डाल दिया जाए, ताकि इसके नतीजे में पूरे बलूचिस्तान में आग लगे और वही 1000 अफराद जिनको दो किया गया था असलाह लेकर पूरे बलूचिस्तान में आग लगाने फिर जाते हैं? देखिए, दिस वॉज अ कवर्ट ऑपरेशन, ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको डिलीवर किया गया है सीआईए की तरफ से। मकसद यह है कि बलूचिस्तान में, चूंकि इस वक्त जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, वो सारी की सारी ड्रग ट्रैफिकर्स की, ड्रग एडिक्ट की है, रईसानी ड्रग एडिक्ट है, इनका घर मशहूर है क्वेटा में ड्रग्स और हीरोइन और नशे का कारोबार करने के लिए। अब इनके तमाम ये लोग जिस हुकूमत के साथ मिले हुए हैं इस वक्त, जिस तरह ये लोग दहशतगर्दों को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह इन रईसानी साहब ने 15 अगस्त को जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है बलूचिस्तान में छुट्टी का ऐलान किया था, इन लोगों से क्या तवक्को है सिवाय इसके कि बलूचिस्तान में आग को मजीद भड़काएंगे? और दूसरी तरफ जो मरकज में हुकूमत बैठी हुई है, जहां की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत जो कि मिले हुए हैं अमेरिकन से इस सारे फसाद को भड़काने के लिए, तो देखिए, जब घर में आग लगी हो तो उस वक्त आपको आग बुझानी होती है। आप अगर हाथ पे हाथ रख के भी बैठे रहे तो ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना आग लगाने वाले का जुर्म है। तो हो ये रहा है कि आग लगाने वाले तो सीआईए, आग लगाने वाले तो रॉ, आग लगाने वाले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, लेकिन जब आग बुझाने की बारी आई है तो ये हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। इस वक्त बलूचिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान के झंडों को जला रहे हैं, इस वक्त जगह जगह, और ये जो बीआरए के ये दो तीन आदमी मारे गए हैं, इनको आजाद बलूचिस्तान के झंडे में लपेट के दफन किया गया, यानी पाकिस्तान के झंडे से इतनी नफरत है इंसानों को। दुनिया के कानून के तहत भी अगर आप किसी रियासत में उस मुल्क के झंडे को जलाएंगे तो आपके खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब खुल के इनके अफराद मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि अब हम आजादी चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, ये कॉन्फिडेंस उनको किस तरह आया? और फिर मीडिया उनको जगह क्यों दे रहा है? ये कौन सा नेशनल मीडिया है कि जो मुल्क के गद्दारों को मीडिया पर बुलाकर कहता है कि जी, और वो खुल के कहते हैं कि हम मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हमें आजादी चाहिए, और फिर मीडिया उनको प्राइम टाइम में जगह भी दे रहा हो? ये सारा एक नेक्सस, एक लिंक आपको समझना चाहिए। एक तरफ नापाक पलीत हुकूमत मरकज में बिका हुआ मीडिया, और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी की यह कवर्ड सीआईए की दहशतगर्दी, अपने ही आदमी को अगवा करवाकर
और अपने ही आदमी को उन्हीं दहशतगर्दों को जिन्होंने अगवा किया है बीच में निगोशिएटर के तौर पर डालकर उन्हीं दहशतगर्दों के हजारों लोगों को जेलों से छुड़वाकर अपने आदमी को निकालकर खामोशी से परे ले गए और फिर उन्हीं तीन लोगों को जो निगोशिएट कर रहे थे कत्ल कर दिया ताकि ये तासुर दिया जाए कि शायद पाकिस्तान की एजेंसी से कत्ल किया, पाकिस्तान की एजेंसी का दिमाग खराब है कि इनको कत्ल करके चौक में डाल देंगे। जब मुल्क कितने नाजुक हालात से गुजर रहा, इसी दिस इज व्हाट द होल गेम प्लान इज। ये करने वाले और हैं, सारे ऑपरेशन का फायदा हमारे दुश्मनों को है और मरकज की हुकूमत क्योंकि बिल्कुल मुंजमद फ्रोजन हुई हुई है बल्कि बराह रास्त कनाइवन है, पार्टिसिपेट कर रही है हमारे दुश्मनों के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो पाकिस्तान के नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक एलिमेंट्स को ये खेल समझना चाहिए। इस वक्त जो हंगामे बलूचिस्तान में हो रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि बलूचिस्तान को तोड़कर अलग कर सके, लिहाजा ये इत्मीनान रखिए इंशाल्लाह मुफ्त नहीं टूट रहा बिल्कुल, पूरी तसल्ली रखिए। ये चंद सौ लोग हैं जिनके पास असलाह रुपया पैसा हथियार दिया गया है, चंद लोगों को गोलियां मार रहे हैं कहीं आग लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर पुलिस और पैरामिलिट्री आर्मी ऑपरेशन किया जाए तो उनको दो दिन में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मालूम है, इनके रिसोर्सेज में मालूम है, इनके अफराद को भी मालूम है, लेकिन बात यह है कि हर दफा जब फौज को भेजा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि बस उसके अंदर फौजी ऑपरेशन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब हुकूमत वक्त ही कुछ ना करना चाहे, पार्लियामेंट क्या कर रही है, सदर क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, बलूचिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जब ये सारे अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और मुल्क क्या फिर टूटने दें, देखते रहे कि मुल्क टूट के अलग हो जाए। नाउजुबिल्ला देखिए, सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ा फितना तो सरकस की हुकूमत से लगता है। अगर ये हुकूमत अपने मामला को दोस्ती करती तो सबसे पहले इसको इस्लामाबाद से हटाना पड़ेगा, फिर बलूचिस्तान की हुकूमत को साफ करना पड़ेगा, बाकी मामला दो दिन का मसला है, कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा फ्रेट हमको इस हुकूमत से जो इस्लामाबाद में बैठी है, जो बलूचिस्तान में बैठी हुई है, सब जो मिले हुए दहशतगर्दों के साथ जो सीआईए के कहने पर काम कर रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी के साथ मिलकर दहशतगर्दों को निगोशिएट करते, उन्हीं को रिहा करवाते, दिस इज समथिंग दैट नेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड। इनको फितना हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, इनको हैंडल करना कोई इश्यू नहीं है, दो दिन की बात है, इन सबको दिमाग ठीक किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के जितने एमएलएज हैं, यकीन कीजिए, लोग बात करते हैं कि पंजाब खा गया, सिंध खा गया, सरहद खा गया, प्रोपेगेंडा किया जाता है बाकी पाकिस्तान के खिलाफ। बलूचिस्तान के जितने एमएलएज हैं, पूछिए उनसे, लोगों से जाके पूछिए, ये दो दो लाख तीन तीन लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं अपने लोगों को, बेनता मैसिव लेवल पर करप्शन की जा रही है, एक रुपए की डेवलपमेंट और अस्पताल और तालीम और स्कूल और कॉलेज में खर्च नहीं किया जा रहा। तो जब बलूचिस्तान के अपने एमएलए खाम खोर बने हुए हों, अपनी कौम को लोग लूट खजूट के खा रहे हों, तो उसके बाद प्रोपेगेंडा ये कि पंजाब आके खा गया हमको, ये पूछो जो फंड दिए गए हो किधर इस्तेमाल हुए, पूछिए ना जाके बलूचिस्तान में नौशी में ग्वादर में गुलजार में जो एमएलए सिलेक्ट हुए हैं वो कितने लाख रुपए की नौकरियां बेच रहे हैं, जाके जाए बलूचिस्तान के लोगों से मालूम करें। और फिर ये कौन लोग हैं जो राह चलते लोगों को, अभी जो इंप्रेशन दिया जा रहा है मीडिया में वो ये है कि जी जो सुबह सरहद की जो यूथ है, जो सॉरी सुबह बलूचिस्तान की जो यूथ है और सुबह बलूचिस्तान की जो आम आवाम है, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मैं आपको नाम लेके एग्जैक्टली बताऊंगा जी, मैंने पिछले चंद दिनों में काफी मीडिया एनालिसिस हम लोग करते रहे, और जब हम लोगों ने जब न्यूज एनालिसिस मीडिया एनालिसिस के बाद जो हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो जो हमेशा से जिन लोगों ने पहले ये बात की कि जी सुबह सरहद जो है वो जो ट्राइबल एरिया है वो खत्म हो चुका है, वो पाकिस्तानी कंट्रोल में नहीं है, आज वही लोग बैठ के और उन्हीं लोगों को टेलीविजन पे लाकर यही कह रहे हैं कि जी अब तो बलूचिस्तान में हमसे अलग हो गया, और वहां के जो लोग हैं जो क्वेटा यूनिवर्सिटी के जो जो अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है और हमारी एक अलग सरजमीन होगी और हमारा एक अलग बलूचिस्तान होगा। जबकि जो सवाल है वो ये है कि बलूचिस्तान में बलूचियों और जो पठानों की जो आबादी का जो तनासब है वो कितना है और किस किस्म की आवाज है, जो ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है आप इस इम्प्रेशन को कैसे देखते हैं? देखिए यही है ना कि सारा उसी तरह का डिसइंफॉर्मेशन और झूठ है जिस तरह पहले फैलाया जा रहा था कि पिशावर हाथ से निकल गया, पिशावर फॉल हो गया, ट्राइबल एरिया हाथ से निकल गया, सवाल तालिबान के हाथ में चला गया, किसी किस्म की ये खुराफात और झूठ अब ये सब बलूचिस्तान के बारे में फैलाई जा रही है। प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के अंदर नौजवानों में मायूसी है, इनके पास वो ही पाई है कि जब आप नौजवानों को जॉब्स नहीं देते, जब एमएनए और एमपी और हुक्मरान जिनके इख्तियार में इख्तियार होता है वो खयानत करते हैं, डेवलपमेंट फंड गलत इस्तेमाल होते हैं, जब इस किस्म के सारे वाकयात होते हैं तो इसके बाद कुदरती बात है कि नौजवानों में एक फ्रस्ट्रेशन होती है। मगर जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच तो नहीं रहते, बलूचिस्तान 42% है पूरे पाकिस्तान का एरिया वाइज, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 4% है टोटल।
अब 4% आबादी जो पूरे बलूचिस्तान की है उसके अंदर 2.5% तो नॉन बलूच है, जो गैर बलूच है।